कैसे हैं आप लोग? म्यूटेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। अभी तक मैंने आपको कुछ केमिस्ट्री और मैथ्स के टॉपिक्स दिए थे। आज मैं एक नया सीरीज फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ और फिजिक्स में 11th क्लास का एक चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। वैसे तो आप जानते हैं कि 11th का जो कॉम्बिनेशन है वो समहाउ इससे रिलेटेड है। नाइन्स नाइन्स से अगर आप थोड़ा, नाइन्स में आपने थोड़ी मेहनत करी होगी अगर, तो यहाँ आसान आपको नजर आएगा। तो बात कर लेते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसकी बात हम लोग करें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि नाइन्थ में अगर आप पढ़ा था, देखो सारी चीजें नाइन्थ और इलेवेंथ सेम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर हमने कुछ प्लेसेस सीख रखा है, समझ रखा है, तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट समझने में हमें आसानी होगी। अब स्ट्रेट लाइन की बात जब हम, या मोशन की जब हम बात करते हैं, तो वो एक ब्रांच है फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द काउज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी मोशन हो रहा है, मोशन के काज के पीछे हम नहीं जाते हैं कि क्यों हो रहा है, सिर्फ मोशन के बारे में, मोशन से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वो सारी ब्रांच, वो सारी चीजें फिजिक्स के काइनेमेटिक्स ब्रांच में की जाती है। एक डायनेमिक्स होती है। डायनेमिक्स में क्या होता है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द काज ऑफ देयर चेंजिंग इन रेस्ट और मोशन। अगर आपने रेस्ट और मोशन की स्टडी तो करी, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसके काज का भी पता लगाना है, कारण भी पता लगाना है, तो वो डायनेमिक्स है। लेकिन अगर बिना कारण जाने सिर्फ मोशन और रेस्ट से रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो अब यहाँ पे दो बातें बहुत तेजी से हो गई कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। बहुत आसान चीज है। देखो अगर हम रेस्ट और मोशन को समझना चाहते हैं तो एक सिंपल कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप रोड पे जाते हैं तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो जाते समय एक पत्थर लगा होता है हाईवे के साथ में, जहां लिखा होगा आगरा इतना किलोमीटर, आगरा इतना किलोमीटर लिखा होता है। अगर आप उस पत्थर के पास खड़े हो गए बिल्कुल, तो हमें मालूम है कि जितना किलोमीटर, मान लो 25 किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ से हम 25 किलोमीटर चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, आगरा। और अगर चलेंगे ही नहीं तो वहीं रह जाएंगे, चलेंगे नहीं तो वहीं रह जाएंगे, चलेंगे तो आगरा पहुंच जाएंगे। अब बात आती है कि आप कंपैरिजन कहां से करोगे कि हम चले हैं या नहीं चले हैं, उस पत्थर से करोगे। टाइम अगर बढ़ता जा रहा है, 8 से 9 बज गए, 9 से 10 बज गए, 10 से 11 बज गए, और आप उस पत्थर के पास ही खड़े हो, तो इसका मतलब आपके पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, और पोजीशन में चेंज नहीं हुआ इट मींस क्या, आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर मान लो टाइम बदला और फिर आप अगले पत्थर पे चले गए, अगले पत्थर पे चले गए, आगरा पहुंच गए, इसका मतलब क्या कि जिस पत्थर से आपने देखा था लिखा हुआ कि आगरा 25 किलोमीटर, वहां से आप ने अपने पोजीशन को बदल लिया, यानी मोशन में आ गए। वो बात की बात है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो सब सब बात की बात है। लेकिन अभी तो हम क्या देख रहे हैं कि रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। तो भाई अगर रेस्ट है या मोशन है वो आपने कहाँ से समझा, कहाँ से काउंट किया, कैसे पता लगा? आपने सब कुछ कैलकुलेट किया उस 25 किलोमीटर वाले पत्थर, तो वो जो 25 किलोमीटर वाला जो स्टोन था, जो मार्क लगा लगा है, वो हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आप दो भाई बहन है, घर में है, वहां से आपको स्कूल जाना है। अब एक ने आज की छुट्टी कर ली तो वो घर पे ही रहा, आप गए स्कूल, तो भाई कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है? आप मोशन में चले गए क्योंकि स्कूल गए, भाई घर पे ही रह गया क्योंकि वो रेस्ट में। अब रेस्ट में है तो कहाँ से कंपैरिजन किया कि वो रेस्ट में है या मोशन में है? वो हमने किया अपने घर से कंपैरिजन, जो घर में ही टिका रह गया, टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा घर हो जाता। अब मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ। ओके, और ठीक इसका उल्टा रेस्ट में आ जाएगा अगर इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to its surroundings or with respect to a point object with a passage of time, it is said to be at rest. So, baatein samjho. Point object ka concept ab aage aapko samjhaya hai, jo maine aapko already samjha diya. Ab jo main aapko keh raha tha ki ninth mein aapne padha hai, अब क्या आदमी में भी पढ़ना है, तो ये साइको नहीं बिठाना है कि भैया जो नाइन्थ में पढ़ा था वही यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है। होगा लेकिन कंसेप्ट थोड़े चेंज है। मैंने क्या कहा कि नाइन्थ में जो आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट तो आपके काम का है ही, क्योंकि वो बेस है। आपको मालूम है मकान बनाना है, कुछ भी बनाना है, बिना बेस का तो होता नहीं। बेस आपका अगर आपने पढ़ा बहुत मजबूत है और ये फटाफट चैप्टर आपको समझ में आए, तो वहां पे जो हम पढ़ते थे बेटा वो हम पढ़ते थे टू डायमेंशन एक्स वाई एक्सिस। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं मोशन वो थ्री डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। थ्री डायमेंशन का मतलब क्या? ये तो वन और टू दोनों पढ़ेंगे, बट थ्री डायमेंशन एक नया कंसेप्ट आपको ख्याल में आ गया। थ्री डायमेंशन का मतलब क्या? एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस 3D में 90 के एंगल पे होते हैं, है ना? थ्री डायमेंशन। जैसे एक छोटा सा पिक्चर आई थी ना, तो उसमें 3D में था, तो आपने देखा होगा जो भी 3D फिल्में आती हैं थिएटर वगैरह में, तो हमें एक चश्मा मिलता है, उस चश्मे का काम होता है 3D को 2D में बदल देना, तब जाके हम स्पष्ट रूप से उसको देख पाते। तो जैसा मैंने कहा आपको, वन डायमेंशन यानी कि तीन डायमेंशन हुआ ना, एक्स वाई जेड। अगर कोई मोशन मान लो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा है या वाई एक्सिस पे हो रहा है या जेड एक्सिस पे हो रहा है, तो अगर एक ही एक्सिस पे हो रहा है तो वो वन डायमेंशन में। अगर टू में जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ के बीच में जैसे आपने ओम्स लॉ वगैरह देखा था ना बीच में, तो हालांकि वो मोशन की बात नहीं है, मैं तो ग्राफ की बात बता रहा हूँ, तो वो आपने देखा बीच में बना हुआ, यानी उसका जो कंपैरिजन हम करते हैं एक्स से भी करते हैं वाई से भी करते हैं, दोनों के बीच में रहता है, तो वहां पे दो एक्सिस काम आ गए, तो वहां पे वो हो गया कौन सा? टू डायमेंशन। और थ्री डायमेंशन मैंने बताया ही आपको, जो एक्स वाई जेड तीनों में हो। अब आ जाते हैं बेटा, बात करते हैं कि पाथ लेंथ क्या होता है किसी गिवन टाइम में, किसी खास टाइम में, किसी प्रॉपर टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया गया। मान लीजिए हम यहां से अपने दोस्त में आ गए, अब जाने में 10 मिनट लगा, 1 किलोमीटर का या 2 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो जो 1 किलोमीटर है
जो हमारा पाथ डिस्टेंस कितने देर में, 10 मिनट, तो टाइम से रिलेटेड हो और इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल कवर्ड पाथ लेंथ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, यहां से अपने घर से आप स्कूल जाना चाहते हैं। अब स्कूल जाने के तो बेटा कई सारे रास्ते हो सकते हैं ना, रामो वाली गली से भी, श्यामो वाली गली से ये भी नहीं, ऐसी गलियां भी होती है ना, फना फना बाबू वाला है ना, तो कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो पाथ लेंथ भी तो अलग अलग होगा ना, कोई गली लंबी, कोई थोड़ा कटके नाए माए, तो जो हम इधर उधर मुड़ के और टोटल लेंथ हम जो कवर करते हैं वो पाथ लेंथ हमारा डिस्टेंस कहलाता है। पाथ लेंथ हमारा डिस्टेंस कहलाता है। टोटल कवर्ड पाथ लेंथ इज टर्म्ड एज डिस्टेंस। लेकिन अगर बिल्कुल अपने घर से स्कूल की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए, रास्ते में कुछ भी आए, एकदम ना इधर होना है ना उधर होना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए, तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पॉसिबल नहीं है जाना, लेकिन एक इमेजिनरी बात है। अगर दो पॉइंट है हमारे बीच में, जैसे ये आप यहीं यहीं देख लो, आप ओ है और ए है, ओ है और ए है, तो ओ और ए के बीच में, ओ से ए के पास जाने में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि हम इधर से मुड़ के जाएं, इधर से मुड़ के जाएं, इधर से मुड़ के जाएं, कहीं से मुड़ के जाएं, वो हमारा डिस्टेंस है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ना बिल्कुल ओ से ए तक, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेस, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, डिस्टेंस पाथ लेंथ एक ही चीज है ना। अब मैं यहां पे दो बात करता हूं। एक क्वांटिटी आपने पढ़ी है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी मैं बता ही देता हूं आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, डिस्टेंस की बात नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड की भी बात होती है और डायरेक्शन की भी बात। अब फिजिकल क्वांटिटी में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर में मम्मी ने कहा कि जा बेटा 1 किलोग्राम चीनी लेके आ जा। अब दुकानदार के पास गए तो हम क्या बोलेंगे, भाई 1 किलोग्राम चीनी देना नॉर्थ में, 1 किलोग्राम चीनी देना साउथ में, 1 किलोग्राम चीनी देना ईस्ट में, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना भैया, उसमें तो सिर्फ चीनी लेना है हमने, उसमें डायरेक्शन थोड़े ना बताना है। लेकिन अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है, आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो वो किसी डायरेक्शन में तो लगेगा ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो हम कहेंगे ना कि 5 न्यूटन इन नॉर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ, 10 न्यूटन टुवार्ड्स साउथ, डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना। तो जिसमें आप क्वांटिटी 5 न्यूटन या 10 न्यूटन तो क्वांटिटी होगी और जो नॉर्थ साउथ बताया वो डायरेक्शन हो गया। तो जिसमें आप सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन भी बताते हैं वो वेक्टर। अब इतने के बाद आप खुद समझिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दो कंसेप्ट बताए उसमें डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। ऑब्वियसली जब डिस्टेंस हम कवर करते हैं, अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहे थे
तो कभी हम बाबू सोना की गलियों में, सॉरी, कभी हम उस गली में जा रहे थे, कभी उस गली में जा रहे थे, तो बार बार हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा था। डायरेक्शन जब चेंज हो रहा था तो भैया कैसे होगा ये, डायरेक्शन तो नहीं बता सकते ना फिर प्रॉपर, अगर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो बार बार चेंज हो रहा है इसका मतलब कि डिस्टेंस जो है वो, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो स्ट्रेट लाइन मैंने बताया, ये ओ से ए जैसा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बताया, तो स्ट्रेट लाइन में तो पता है कि हम कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहीं पे एक सवाल और आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेस, जब मान लो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसी डायग्राम में, ओ से ए तक जब हम गए, सपोज ये 10 किलोमीटर है, ओ से ए तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और वापिस जब आप ए से ओ तक आ रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी में पता है क्या होता है, वापिस जब आप रिटर्न करेंगे तो वो जो 10 किलोमीटर आप कर रहे थे ना, एक्चुअली वो प्लस था, हिडन था, +10 था। जब आप ए से ओ तक वापिस आएंगे तो -10 हो जाएगा। यानी कि जब आप ओ से ए तक गए और ए पर वापिस आ गए, यानी 10 किलोमीटर प्लस का और 10 किलोमीटर माइनस का, तो दोनों कैंसल आउट होकर के क्या हो गया, 0। लेकिन जब आप नाचते गाते ओ से ए तक गए, गलियों में घूम घूम के इधर उधर, और आपने 20 किलोमीटर कैरी किया, और आते समय थोड़ा और चाट पकौड़े खा के आए तो 15 किलोमीटर का तय किया, यानी कि 10 और 15 कितने, 25। यानी कि जब डिस्टेंस की बात होगी तो आने जाने दोनों पॉजिटिव रहेंगे, 10 भी ऐड हो जाएगा 15 में। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो जब हम डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी निगेटिव हो जाता है। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं कि भाई डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। ये बातें मैंने आपको समझाई। अब कुछ ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के साथ काउंट करते हैं। तो कुछ कंडीशन है, जैसे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मूव नहीं करता, रेस्ट में। तो जब बेटा रेस्ट में है तो आप देखो, इधर को हमने प्लॉट कर रखा है किसको, डिस्टेंस को, और इधर टाइम है। तो देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, इधर टी है ना, इंक्रीजिंग शो कर रखा है, एरो का साइन है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखो ग्राफ वही है, कहीं चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस वही है, पोजीशन वही है। तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टेशनरी कंडीशन है, यहाँ पे तो पोजीशन ही नहीं बदल रहा, टाइम बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रहा, रेस्ट में है। लेकिन यही आप देखो दूसरे में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, ओम्स लॉ की तरह मैं इसी की बात आपसे कर रहा था, लेकिन क्योंकि समझा नहीं था पहले तो मुझे बोलना उचित नहीं लगा। तो अब देखो इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहते हैं कि भाई टाइम बढ़ा, मान लो कि 1 किलोमीटर में हम 5, सॉरी, 1 आवर में हम 5 किलोमीटर गए, अब अगले 1 आवर में फिर हम 5 किलोमीटर गए, यानी अब 2 आवर में 10 किलोमीटर चले गए, फिर अगले आवर में हम 5 किलोमीटर और गए, मतलब कि 3 आवर में हम 15 किलोमीटर चले गए। तो ये फिक्स हो रहा है ना बेटा कि 1 किलोमीटर में हम 5 किलोमीटर कैरी कर रहे हैं, 1 आवर में हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं, फिक्स है, हर आवर में हम 5 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में देखो टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, एक जैसा जा रहा है। और जब एक जैसा जाएगा तो हमारी हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्राफ आएंगी, लाइन आएंगी, वो कैसी आएंगी, स्ट्रेट लाइन आएंगी। लेकिन अब ये देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी चाट पकौड़े खा रहे थे, कभी इधर चले गए थे, कभी दोस्त के घर चले गए थे, कभी बंक मार के घूम रहे थे। तो ये इस कंडीशन में ये देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये अब आपके पास वेरिंग मोशन आ गई। ये ग्राफ है थी बहुत इंपॉर्टेंट। और अब आगे फटाफट बात कर लेते हैं आपसे स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी, अब देखो अगर आपने एक कंसेप्ट समझ लिया ना, स्केलर और वेक्टर जो मैंने आपको समझाया, वो ये सारे हलवा है और इसे ही खा जाओगे। स्पीड
स्पीड का फॉर्मूला होता है, लिखा भी होगा यहाँ पे डेफिनेशन में भी, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट का मतलब टाइम नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। अब बताओ डिस्टेंस क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। किसी को ये नहीं बोलते ना कि 4 बजे है नॉर्थ में, 10 बजे है नॉर्थ में, क्वांटिटी बोलते हैं ना सिर्फ, 4, 5, 10 जो भी बोल रहे। तो दोनों स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी, यानी कि रिजल्ट भी आएगा कैसा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात आगे, पहले हम इसी को देख लेते हैं, डिस्टेंस को, सॉरी स्पीड को देख लेते हैं पहले। तो स्पीड में देखो ऊपर में लिखा है ना स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज जो यूनिट ऑफ सिस्टम है, मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताया था कि जो अलग अलग सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, पीएस सिस्टम, सारी सिस्टम है। तो लेकिन जो सबसे ऊपर है, जो सब जगह मान है, वो एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम होता है। तो एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है स्पीड की, और जब हम सीजीएस में देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होंगे। लेकिन जब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है क्या, डायमेंशन कैसे निकालते हैं अभी बता देता हूँ ना छोटी सी बात। देखो जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम मतलब टी। देखो MLT जो फॉर्मूला होता है ना, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, उसमें तीन बेसिक यूनिट का यूज होता है। एक m, m फॉर मास, l लेंथ, l फॉर लेंथ, एंड t, t फॉर टाइम। तीन बेसिक यूज होता है और MLT का फॉर्मूला बनता है। तो हमने कहा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस लेंथ है, टाइम टाइम है, एल अपॉन टी। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा, तो एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। लेकिन ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है, इसमें तीनों साथ साथ चलते हैं, एम भी, एल भी, टी भी। तो इसीलिए यहाँ पे देखो एल टी इनवर्स तो हो गया, लेकिन एम का जिक्र नहीं हुआ, तो यहाँ होगा जिक्र, एम के ऊपर हम लगा देंगे कितना, जी। ये फॉर्मूला बन गया M0 LT। और यही फॉर्मूला ना डायमेंशन फॉर्मूला उसका भी होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, दोनों सेम होते हैं MLT फॉर्मूले में, और यहाँ तक कि ऐसा ही। अब रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है भाई, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां था डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड में, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी अभी बताया था मैंने, वेक्टर क्वांटिटी होती है। नीचे टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर मिलके हो गए क्या, वेक्टर। यानी कि अगर एक भी वेक्टर वाला कीड़ा आ गया तो वो सारी यूनिट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, वेक्टर में। तो इस तरह से हम स्पीड और वेलोसिटी को हम समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन अभी मैंने आपको समझा दिया था कि यूनिफॉर्म मोशन यानी सेम टाइम में जो सेम डिस्टेंस हम कवर करते हैं, और उसी से यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाती है। स्पीड और वेलोसिटी में एक बेसिक डिफरेंस बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जब भी स्पीड की बात आएगी तो वहां पे डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी की बात आएगी तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, बाकी सारा मामला क्लियर है। अब थोड़ी बात हम डेरिवेशन पे करते हैं, ध्यान से देखने का। अब यहां देखें कि एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन ये ओ एक्स है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में। अब यहाँ पे टाइम 0 है ओ पॉइंट पे। अब मान लो ए पे आया तो इसे टाइम टी, टी टाइम लगा आने में, और डिस्टेंस कवर किया इसने एक्स। फिर ये ए से बी तक गया तो इसको टी डैश टाइम लग गया, और डिस्टेंस कवर किया इसने एक्स डैश।
अब आप देखेंगे टी डैश हो या एक्स डैश हो, ये सारा इसके इनिशियल पॉइंट ओ से मेजर किया गया है। ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टी डैश है या एक्स डैश है, ये इसके इनिशियल पॉइंट ओ से मेजर किया गया है। अब बताओ बेटा यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी? तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, तो देखो यहाँ टोटल कवर बी तक आने में हमें एक्स डैश का टाइम लगा, एक्स डैश का डिस्टेंस हमने कवर किया, और इस पोजीशन तक ए तक आने में हमें कितना लगा, एक्स का लगा। ध्यान से अभी मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो जब हम ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो हम क्या निकालेंगे कि भाई ओ बी यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है माइनस ओ ए, अगर हम पूरा ओ से बी तक में अगर हम इस ओ ए को हटा दें माइनस कर दें तो किसका डिस्टेंस आ जाएगा, ए बी का आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किया है एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन, ऐसे ही टाइम का भी किया, यहाँ तक टी वन लग रहा था यहाँ तक टी लग रहा था माइनस कर दिया ऐसे भी। मान लो आप ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो ए बी में बी बाद में आता है, तो जो वो पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो हम इसे लिखते ही हैं ओ बी माइनस ओ ए, बाद वाला अक्षर साथ में ओ के मिला दो माइनस जो पहले वाला है वो मिला दो, ठीक है इसमें हम कर लें। अब इसी तरह से अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसने, देखो ऐसा बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का, है ना। अब यहीं पे एक्स को हम मान लेते हैं एक्स नॉट यानी इनिशियल पॉइंट जो था वो, प्लस में भी, और मान लो टाइम जो है इनिशियल पॉइंट पे कितना था, इनिशियल पॉइंट पे टाइम जीरो था, तो अब देखो यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पुट कर दी, जीरो पुट कर दी बेटा तो क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। तो इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कौन सी बातों पे, एक्सेलरेटेड मोशन की बात पे। देखिए एक क्लास में तो संभव नहीं है कि ये कंप्लीट हो जाए, और हवा हवाई बनाऊंगा तो आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये पूरा सीरीज ही चलेगा, चार पांच क्लास जो भी बने, लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर करवा के आगे बढ़ूंगा, मैं हवा हवाई बात नहीं करूंगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो बातें, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होती है, पहले एक्सेलरेशन को आपने नाइंथ में पढ़ा फिर भी समझा रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, देखो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या चेंज इन पाथ लेंथ पर यूनिट टाइम, उसको हमने स्पीड या वेलोसिटी बोल दिया था। अब उससे एक स्टेप आगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन अगर पॉजिटिव हो, जैसे मान लो कोई गाड़ी रुकी हुई तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, अब 5 सेकंड के बाद 20 के स्पीड से वो गई, तो यानी क्या हो गया, उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ गई। तो अगर बढ़ेंगी तो वहां पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही इनिशियल से फाइनल तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, मार्ग कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लो ब्रेक लगाते हैं हम और रोकते हैं, तो ब्रेक लगाते के समय मान लो उसकी स्पीड 25 रही होगी, अब आगे जीरो होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गया, तो कम हो गया इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे ना ए की वैल्यू वी माइनस वी अपॉन टी लगा करके, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो उस कंडीशन में, नेगेटिव आने के कंडीशन में हम उसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है। और अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन से आगे की बात, जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब इससे पहले दो बातें और समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज का मतलब समझते हैं ना, एवरेज मीन
ये सारी चीजें एक ही होती है। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो उसमें भी पाथ लेंथ, यानी कि आप जितना पाथ लेंथ समझिए डिस्टेंस जो होता है, और अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड में एक्चुअली होता क्या है, मान लो कोई ए से बी तक गया किसी और टाइम, कुछ टाइम और लगा उसमें, कुछ और डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर मान लो बी से सी तक गया, वहां पे टाइम थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, डिस्टेंस भी चेंज किया हुआ है। तो अब इस तरह से हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना लगा जाने में और अपॉन में टोटल टाइम कितना, कई बार क्या होता है ना डिस्टेंस और टाइम को ना देखे स्पीड दिया हुआ रहता है कि ए से बी तक, न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे ऑन बोर्ड, तो मान लो दिया हुआ है कि ए से बी तक हम गए और वहां पे हम दूसरे स्पीड से गए 25 जो भी स्पीड है दूसरे स्पीड से गए, फिर बी से सी तक गए वहां पे हम दूसरे स्पीड से गए। तो जब हम स्पीड अलग अलग चेंज करते हैं, और टाइम वही है तो वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस अलग अलग चेंज हो जाएगा। तो स्पीड, वेलोसिटी और टाइम, ये तीनों को देख करके, डिस्टेंस सॉरी, इनको देख करके हम जो मिसिंग क्वांटिटी है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला हमारा एवरेज का वही होता है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे करके हम देखते हैं। तो यहाँ से हम यूनिफॉर्म आइसोलेशन, सबके न्यूमेरिकल्स मैं आपको इकट्ठे दूंगा, इकट्ठे बनाऊंगा, ऑनबोर्ड बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसलिए सामने पीडीएफ दे दिया हूँ कि आपको डेफिनेशन लिखने में, डेरिवेशन लिखने में आपको आसानी हो, है ना। तो ये अभी तक हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक हम लोग आए हैं। एक्सेलरेशन की बात जहाँ तक है तो एक्सेलरेशन को भी हम क्या कहते हैं, अभी बताया था ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट में एक ही जो वैल्यू है वी नॉट वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी, एक्सेलरेशन में यहाँ से निकालते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है और इसी के अनुसार आप इसका एमएलटी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं, है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का अभी देखा था ना एम जीरो एल टी माइनस टी इनवर्स और अपॉन में नीचे फिर टाइम आ जाएगा, तो टी जब ऊपर जाएगा तो एम जीरो एल वन और टी माइनस टू, इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से आगे अगला जो टॉपिक आएगा वो काफी इम्पोर्टेंट है, अभी तो हमने बेसिक आपको समझाया है सिर्फ, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टर्म है, जहाँ पे हम फॉर्मूले को सीखेंगे कि कैसे हम तीन फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर, तीन फॉर्मूले में हम उसको प्रूव करना, p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, तीन फॉर्मूले को हम सीखेंगे। नाइन्थ में हमने सीखा था, नाइन्थ में हमने ग्राफिकल सीखा था, यहाँ पे मैथमेटिकल भी सीखेंगे, इंटीग्रेटेड मेथड से भी सीखेंगे, तो तीनों मेथड से हम यहाँ पे सीखेंगे। अगली क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और उसे बड़े ध्यान से देखना है। सारे वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में अलग से 11 फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, आज की क्लास यहीं तक, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आपको देखने में बोरियत फील होती है। तब तक के लिए जय हिंद। Anything.